जंगल के इस कोने में छुपेंगे, आधे लोग पहाड़ी के पीछे जाएंगे, और जैसे ही प्रताप का काफिला आएगा दोनों तरफ से टूट पड़ेंगे। जाओ। प्रताप की क्या खबर है? वो जल्दी यहाँ पहुँचने वाला है हुजूर। और शक्ति सिंह, क्या उसने भी प्रताप से हाथ मिला लिया? क्योंकि अगर दोनों ने हाथ मिला लिया तो उनको पछाड़ना नामुमकिन हो जाएगा। बोलो, बोलते क्यों नहीं? भूत बनके क्यों खड़े हो? नहीं हुजूर, शक्ति सिंह तो चला गया अपने रास्ते। माशाल्लाह माशाल्लाह। रुक जाइए। आचार्य जी, वो स्थान उचित प्रतीत होता है विश्राम और भोजन के लिए। उस खंडहर में रुककर हम कुछ देर विश्राम कर सकते हैं। आप में से चार सैनिक यहां रुककर अजब देव और अमर सिंह जी का ध्यान रखेंगे। तब तक हम आचार्य जी, हम जाकर देख कर आते हैं कि यहां कोई जल की व्यवस्था है या नहीं। बाकी सभी सैनिक हमारे साथ आए। महारानी साहिबा, आप यहाँ पे बैठिए, हम सब बाहर खड़े हैं। माँ, पता है, जैसे ही उन्होंने सोने की मोहर शक्ति काका की और उछाली ना, तो दाजीराज ने उसे हवा में पकड़ लिया और पत्थर पर रख के शक्ति काका को चुनौती दे दी। फिर दोनों के बीच मालयुद्ध आरंभ हो गया। अचानक से पता नहीं कैसे शक्ति काका ने दाजीराज को पहचान लिया और दोनों गले मिल गए। और हमने शक्ति काका से खामागाड़ी भी की और शक्ति काका ने ये भी कहा कि मार्ग में वे ध्यान रखें हमारा। अमर सिंह जी, यदि आज वे हमारे साथ होते ना तो बहुत अच्छा होता, आपको भी उनका स्नेह और मार्गदर्शन मिल जाता। महारानी साहब, अपने आप को बचाइए। महारानी साहब, कहीं छुप जाइए। गुस्ताख, तेरी ये मजाल। अमर, वाह, छोड़ो मेरी माँ को। बता कहाँ है प्रताप, बता। नहीं बताएंगे। नहीं बताएगा तो तेरी गर्दन उड़ा देंगे। उड़ा दो मेरी गर्दन। तो ये ले। यदि हमारी भाभी सा और हमारे भतीजे पर किसी ने भी आंख उठाकर देखा तो उसकी आंखें नोच देंगे।
हमें नहीं आना आपके शब्दों के जाल में। हम अपने इस जीवन में खुश हैं, खुला खुला, ना कोई मित्र और ना ही कोई शत्रु। अभियान में सम्मिलित होने के लिए ना बोलकर आपने कितना कुछ कर दिया। क्यों भाई शक्ति, क्यों? बचपन में एक बार हमारा मृत्यु दंड रुकवा कर आपने हमारे प्राण बचाए थे। क्यों जाइए? आज हिसाब बराबर। देवर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खमा गड़ी भाभी साहब, इस तरह धन्यवाद कहकर हमें लज्जित मत कीजिए। हमने जो कुछ भी किया हमारा कर्तव्य था। माँ, अब तो आप अकेले बैठिए पालकी में, हम तो शक्ति काका के साथ उनके आश्रम पर बैठेंगे। आचार्य जी, इन मुगलों को पता कैसे चला कि हम इस मार्ग से गोंडवाना जा रहे हैं? अवश्य है, निरंतर कोई हमें देख रहा था, हमारा पीछा कर रहा था। हमें और भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारे पास एक योजना है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। कहो मान सिंह, क्या खबर लाए? दुख की बात है चापना कि जो फौजी टुकड़ी हमने प्रताप और उसके परिवार को बंदी बनाने के लिए भेजी थी, वो अपने कार्य में असफल फल ही जा। और टुकड़ी के नायक का कहना है कि प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह अचानक से आ गया, और जिसने इस समय प्रताप कहाँ होगा? वो गोंडवाना पहुंच चुका होगा चापना। जीजा के एक संदेश पर आप आ गए कुंवर प्रताप। जीजा, हम तो पहले ही आ जाते, मिले हमारे छोटे भाई से, शक्ति सिंह। खम्मा घड़ी रानी साहब। घड़ी खम्मा, आपके दादा भाई के हम जीजा हैं, तो इस नाते हम आपकी भी बड़ी बहन हो। जीजा, आप चिंता मत कीजिए, हम बहन कमलावती को अवश्य वापस लेकर आएंगे। समय के अभाव के कारण बिना कोई समय व्यर्थ किए हमारे विचार से हमें रणनीति बना लेनी चाहिए। मानसिंह, इस वक्त गुस्सा करने या मातम मनाने से तो कुछ हासिल होगा नहीं। इन फिजूल बातों से अपना दिमाग खपाने से हमारा ही नुकसान होगा, और वो ये होगा कि हम प्रताप से एक कदम आगे नहीं रह पाएंगे। इसलिए उस नाकामयाब फौजी टुकड़ी को ईंटों के भट्टे में डलवा दिया जाए, ताकि हमारे दूसरे सिपाहियों को यह सबक मिल जाए
कि शहंशाह हिंद के बताए गए काम को करने की नाकामयाबी का क्या हश्र हो सकता है। ऐसा ही होगा जहांपनाह। और अब वहां गोंडवाना पहुंचकर प्रताप दुर्गावती के साथ मिलकर क्या क्या मंसूबे बना रहा है, क्या क्या कर रहा है, इन तमाम बातों की जानकारी हमें मिलती रहनी चाहिए। जी जहांपनाह। ये रहा उस किले का मानचित्र जहां अकबर ने हमारी बहन कमलावती को बंदी बनाकर रखा है। कुंवर प्रताप, आप हमारी सेना का नेतृत्व करेंगे और उन मुगल सुरक्षा कर्मियों को सोचने का समय दिए बगैर हम उन पर आक्रमण कर देंगे। सेनापति जी, सेना को तुरंत तैयार होने का आदेश दें। ठहरिए। उस मुगल को उसी के घर में हराना, पराजित करना यह आसान नहीं होगा। यदि हमें उसे पराजित करना है, हराना है, तो हमें उस पर आक्रमण करना चाहिए अपने ही चुने हुए स्थान पर, अपने ही चुने हुए समय में। ऐसा कैसे होगा? अकबर क्यों आएगा आपके चुने हुए स्थान और चुने हुए समय पर फंसने? आप पहले उनकी पूरी बात तो सुन लीजिए। वो अवश्य ही हमसे मिलने आएगा और हमारे ही चुने हुए स्थान पे। चूंकि आक्रमण करने से पहले हम कुछ ऐसा करेंगे उसके साथ जिसकी अपेक्षा उसने सपने में भी हमसे कभी नहीं की। जैसे कि? जैसे कि एक अत्यंत गोपनीय अभियान। और इस अभियान में हमारे साथ आचार्य जी और भाई शक्ति जाएंगे। हम तीनों आगरा जाएंगे आपकी बहन कमलावती को उस मुगल के चंगुल से छुड़वाने। देखो बेटा कमलावती, हट छोड़ो और मान लो हमारी बात। हमने तुम्हारी ओर से रानी दुर्गावती के लिए एक संदेश लिखा है। इसमें ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मात्र एक निवेदन है। थोड़ी सी करुणा के साथ लिखा है हमने। पढ़कर सुना देते हैं तुम्हें। आदरणीय जीजा, यदि आप बिना शर्त अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर देंगी तो मेरी और आपकी दोनों की मर्यादा बच जाएगी, मेरी लाज की रक्षा भी हो जाएगी जीजा, और गोंडवाना भी अपमानजनक परिणामों से बच जाएगा। मुझे यहाँ शहंशाह अकबर ने आश्वासन दिया है कि वे आपको पहले ही की भांति गोंडवाना की रानी बनी रहने देंगे। जीजा, हमें तो शहंशाह अकबर के ये सभी सुझाव बहुत भले और लाभकारी लग रहे हैं, इसीलिए हम फिर एक बार आपसे हाथ जोड़कर अकबर के समक्ष बिना शर्त समर्पण करने का निवेदन कर रहे हैं। आपके त्वरित और सकारात्मक उत्तर की अभिलाषा में अपनी लाज और मर्यादा की रक्षा के लिए, आपकी अनुकंपा की अपेक्षा में आपकी प्रिय बहन कमलावती। देखा, कुछ भी इधर उधर नहीं लिखा है हमने। बस बेटा, इस पर हस्ताक्षर कर दो। आप राजपूत हैं मानसिंह जी? ये कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न कर रही हो तुम हमसे? सच कहा आपने, हमारा प्रश्न ही मूर्खतापूर्ण था। आप भला राजपूत कैसे हो सकते हैं? कमलावती, राजपूत अपने बहन बेटियों का सौदा नहीं करते। कमलावती, राजपूत मुगल शहंशाह के लिए स्वाभिमानी और स्वतंत्र राज्यों की बहन बेटियों के छल से अपहरण कर उनकी स्वतंत्रता के सौदों के बिचौले नहीं बन सकते हैं। तुम अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रही हो कमलावती। हम तो केवल आपको इतना याद दिला रहे हैं कि हमारे धमनियों में आज भी क्षत्रियों का रक्त बह रहा है और हम मर जाएंगे लेकिन आपके इस संदेश पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। जी तो करता है, अभी इसका सर अलग कर दूं धड़ से। पर विवशता ये है कि इस मूर्ख भेड़ को शहंशाह अकबर प्रताप को घेरने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। चाहे जितना विश्व मन कर ले, जीवित रखना पड़ेगा इसे।
आपकी बहन को बंदीगृह से छुड़ा लाएंगे, और जैसे हम उसे छुड़ाएंगे निश्चित रूप से उसे पता चल जाएगा और वो क्रोध से आग बबूला हो जाएगा और हमारे पीछे आएगा। उसी क्रोध के आवेग में हम उसे भगाते 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 उसी स्थान पर ले आएंगे जहां हमारी सेना पूर्ण रूप से तैयार होगी उस पर आक्रमण करने के लिए। बस उसी स्थान पर उसे एक भारी मूल्य चुकाना होगा हमारे अपमानों का। यही है हमारा गोपनीय अभियान। क्षमा करें कुंवर प्रताप, किंतु बहुत बचकानी लग रही है आपकी योजना हमें। बुरा मत मानिएगा, किंतु बहुत निराश किया है आपने हमें। हमने कितने किस्से सुने आपके रण कौशल के, और आप सेनापति जी अपनी सीमाओं का उल्लंघन ना करें। सेनापति जी, आपने जो कुछ हमारे बारे में सुना है अवश्य ही उस मुगल ने भी सुना होगा, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा हमें लेकर जो आज तक ना ही किसी ने सुना है और ना ही किसी ने देखा। कुंवर प्रताप, हमें आपकी योजना ठीक लग रही है, किंतु हमारे मन में एक प्रश्न है कि योजना के पहले भाग में केवल आप, शक्ति सिंह जी और आचार्य जी ही हैं, ये बात हमारे गले नहीं उतर रही। रानी साहब, हम भले ही संख्या में तीन हैं, किंतु विश्वास कीजिए, यदि योजना दादा भाई प्रताप की है तो काम अवश्य हो जाएगा। देशद्रोही है कुंवर प्रताप आप। हम मूर्खों को भी पूरा संभलने का मौका देते हैं, पूरे 24 घंटे दे रहे हैं सोचने के लिए, और इस संदेशे को भी यहीं छोड़कर जा रहा हूं। सिपाहियों, जब तक यह इस संदेशे पर हस्ताक्षर नहीं करती, इसे खाने के लिए कुछ भी ना दिया जाए। अकबर का नमक खाने के बजाय हम मन्ना ही पसंद करेंगे। इतना अभिमान, ये पानी भी तो शहंशाह अकबर का ही है। नहीं मानसिंह जी, ये पानी हमारी धरती माँ का है। अच्छा, तो पी लो फिर ये पानी। भाइयों, तुरंत थोड़ा नमक मिला दो इस पानी में। शहंशाह के नमक से परहेज करेगी, मात्र 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूं। हस्ताक्षर कर देना इस पर चुपचाप। शहंशाह कमलावती ने मना कर दिया हमारे संदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए, अब क्या करें जहां पना? इंतजार मार मार प्रताप के आने का इंतजार कर रहे हैं। इस लड़की को बचाने वो खुद यहां आए। एक भाई के क्रोध को तो हम संभाल सकते हैं, किंतु दो असंतुष्ट भाइयों को संभालना कठिन होगा हमारे। मारवाड़ अकबर के विरुद्ध आपका साथ नहीं देगा, किंतु मारवाड़ का सिपाही हमेशा हर कदम पर आपके लिए तत्पर रहेगा। रहने दीजिए कुंवर प्रताप, भाई मित्र ये सब मात्र आपके लिए निर्जीव शब्द भर है। नहीं भाई चंद्र सिंह, ऐसी कोई बात नहीं है। कुंवर प्रताप, आप हमें अपना भाई मानते हैं, और ऐसे खतरनाक अभियान में आप जाते समय हमें भूल गए। एक बार पूछकर तो देखते हैं, पर नहीं, आप हमें अपना भाई मानते कहाँ हैं? हमसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। क्षमा? और आप हमसे क्षमा मतलब? अच्छा,
अच्छा ठीक है, आप हमारे संग चल सकते हैं। क्यों जीजा, क्या भी आपको हमारी योजना पर कोई संदेह? हमें इसकी सफलता पर कोई संदेह नहीं है। हम आपकी योजना से पूर्ण रूप से सहमत हैं। हम शपथ लेते हैं कि हम हर मूल्य पर आगरा जाकर कर कमलावती उस मुगल के चंगुल से अवश्य ही मुक्त करवाएंगे। जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.